नमस्कार सुपरफास्ट लाईव्ह न्यूज चॅनलवर आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत. मुंबई किन्नर महा एक सामाजिक संस्थेच्या वतीने राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले, याबाबत आपण सविस्तर वृत्त पाहूया. मुंबई किन्नर महा एक सामाजिक संस्थेच्या वतीने महाराष्ट्राचे राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन राजभवन येथे जाऊन संस्थेच्या शिष्टमंडळाने वतीने निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात किन्नर समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी तसेच शैक्षणिक, रोजगार, स्वयंरोजगार, शासकीय नोकरीत प्राधान्य, केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या विविध विभागातील नोकरीचे आरक्षण देण्यात यावे या व्यवसाय प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून किन्नर समाजाला स्वतःच्या उदरनिर्वाह व स्वयंरोजगार मिळावा या आणि समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणून सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी राज्यपाल यांना मागणीचे निवेदन देण्यात आले. नमस्कार, मेरा नाम सलमा है और मैं आज राज्यभवन में आई हूँ. लोग हमारे जो राज्यपाल जी हैं भगत सिंह कोश्यारी सर, उनके पास आई हूँ राज्यभवन में. अभी हमारा समाज एक दुर्लक्षित समाज है जो 70 वर्षों से अधिकारों से वंचित है और हम महाराष्ट्र में पले बड़े हैं. तो हमारे जो गवर्नर जी है भगत सिंह कोश्यारी जी, हम अभी उनके राज्यभवन में आए थे, उन्होंने बुलवाया था और हमने अपने सारी समस्याओं को उनको बताया है. और जो हमारे कोविड के काल में हमें राशन का और जो कोई भी मास्क सैनिटाइजर की वजह से जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जो हैरेसमेंट हुए हैं और हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज के लिए जो जो नीड्स थी, जो जो उनकी ज़रूरतें थी, तो वो आज हमने उनसे मिलकर बैठकर मेरे समाज के प्रति और मेरे अपने प्रति, मेरे कौशलताओं के प्रति हमने कुछ बातें उनसे बताई है, शेयर करी है हमारे समाज के समस्याओं से रिलेटेड, क्योंकि हमारा समाज एक दुर्लक्षित समाज है और कोविड-19 के काल में दुर्गतियाँ हो गई है ज़्यादा. तो हम भी मानव हैं, हमारे मानवीय हक है और उसी के वजह से आज हम राजभवन में आए हैं और गवर्नर जी से मिले हैं. धन्यवाद, नमस्कार.